नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो के नए अपडेट की। जी हां दोस्तों, शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो को MIUI 9.5 ग्लोबल स्टेबल रोम का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट रोलिंग आउट हुआ है, तो दोस्तों हो सकता है आपको ये अपडेट मिलते मिलते 6 से 7 दिन हो जाएं। तो दोस्तों, इसी अपडेट की खुल के चर्चा आज के इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि दोस्तों जो भी मैं MIUI का अपडेट लाऊँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो को मिले नए अपडेट की। तो दोस्तों, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे सेव कर लिए हैं और आप देख सकते हैं जो अपडेट मिला है वो है MIUI का 9.5.13.0 का। और दोस्तों, ये एक स्टेबल अपडेट होने वाला है और आप देखेंगे नो अपडेट्स अवेलेबल। और दोस्तों, ये अपडेट आज से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं और भी कि क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे इस अपडेट में। तो दोस्तों, इस अपडेट में आपको एंड्रॉयड ओरियो मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो MIUI का वर्जन है वो है ग्लोबल 9.5। और दोस्तों, ये एक स्टेबल अपडेट है और 9.5.13.0 ही इसका वर्जन है। और आगे दोस्तों, जब आप ब्रैकेट से रहोगे तो आप देखने मिलेगा OEIMIFA। तो दोस्तों, जो OEI है वो यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही दोस्तों जो MI है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोस्तों जो FA है वो इसके वर्जन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड ओरियो, साथ ही दोस्तों जो एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पेस लेवल है वो 1 मई 2018 का आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये अपडेट किन किन लोगों को मिला है। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये अभी तक इंडिया के कुछ रेंडम यूज़र्स को, साथ ही दोस्तों जो इंडिया के अलावा जो अदर कंट्री है बांग्लादेश, इंडोनेशिया या श्रीलंका बात करें, उनको ये अपडेट मिला है। दोस्तों, काफ़ी यूज़र्स यानी काफ़ी यूट्यूब के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पर वीडियो अपलोड करती हैं MIUI 9.5.13.0 को लेकर, और उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि यदि आप अपने देश को चेंज कर लेते हैं और देश को चेंज करके श्रीलंका या इंडोनेशिया या फिर अदर कोई कंट्री कर देते हैं तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी किसी भी प्रकार की सलाह देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों अपडेट हमें इंडिया वर्जन में ही चाहिए। तो दोस्तों, हो सकता है ये अपडेट आपको आने वाले 6 से 7 दिन में मिले, आप वेट करिएगा, न कि आप अपने देश को चेंज करके अपडेट लें। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रेडमी नोट 5 प्रो है वो सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो शाओमी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपडेट भी सबसे पहले इंडिया में दे। हालांकि शाओमी पता नहीं इंडियन यूजर्स के साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जो वीडियो MIUI 9.5.13.0 से रिलेटेड, अभी रोलिंग आउट होना ये अपडेट स्टार्ट हुआ है और आने वाले 6 से 7 दिन में सभी को मिल जाएगा। तो कृपया करके वेट करें, न कि अपने कंट्री का चेंज करके अपडेट हासिल करें और फिर अपनी कंट्री में लौटें, इससे आपके फ़ोन में प्रॉब्लम भी आ सकती है और आप ऐसी भी स्थिति में आ सकते हैं कि फिर से आपका जो कंट्री है वो चेंज ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।